आज हम लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं या लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। इसका टॉपिक है नाउन, नाउन की यूजेस, नाउन के टाइप्स। बट इससे पहले हम कोशिश करेंगे लास्ट 2 लेक्चर में हमने जो सीखा है उसका रिव्यू ले लें ताकि ये लेक्चर आपके लिए आसान हो जाए। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोशिश की लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को समझने की, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने की कि किस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं और फिर उससे लैंग्वेज बोली जाती है। तो लैंग्वेज में सेंटेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर सेंटेंसेस के लैंग्वेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सेकेंड चीज़, हमने ये कोशिश की कि सेंटेंसेस 2 ग्रुप में होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। अब नॉन एक्शन और एक्शन, ये 2 ग्रुप है सेंटेंसेस के। इसको समझने के लिए हमने कुछ समझने की कोशिश की कि नाउन क्या है, कि लैंग्वेज में नाउन का एक अपना इम्पोर्टेंस है, अपना रोल है। तो या तो आप यूँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज नाउन की वजह से है, नाउन है जिसके वजह से लैंग्वेज का एक्सिस्टेंस है और लैंग्वेज बोली जाती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं खुद भी नाउन हूँ, आप खुद भी नाउन हो। ये क्लासरूम जिसमें हम सीख रहे हो, क्लासरूम भी नाउन है। जिस चेयर पे आप बैठे हो वो सारी चेयर्स भी नाउन है। जिस पेन से आप लिख रहे हो वो पेन भी नाउन है। कैमरा हमारे सामने है वो भी नाउन है, प्रोजेक्टर हमारे सामने है वो भी नाउन है। तो सारी चीज़ें जो अब इस वक्त हमारे क्लासरूम में हमको नज़र आ रही है वो भी नाउन है। और जो चीज़ें आउटसाइड क्लासेस हैं, आसमान है, ज़मीन है, गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। तो हम जो भी बात करते हैं, जो भी हमारा डिस्कशन होता है, जो भी हमारी टॉक होती है, वो एक्चुअली नाउन पे ही होती है, नाउन के बारे में ही होती है। लास्ट टाइम हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से नाउन के बारे में बात होती है, एक्शन और नॉन एक्शन। कभी हम नाउन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके नाम के बारे में बात करते हैं, उसके कलर के बारे में बात करते हैं, हाइट और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके पोजिशंस के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें नॉन एक्शन ग्रुप में आ जाती हैं। और अक्सर हम जो बातें करते हैं, अक्सर जो हमारी बातें होती हैं वो एक्शन पे होती हैं। खाना, खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, समझना, सोचना, इन चीज़ों पे हम लोग अक्सर बात करते हैं। मतलब हमारे टॉप एक्शन ग्रुप पे ज़्यादा होती है और हमारे ज़्यादा बातें, ज़्यादा डिस्कशन एक्शंस पे होते हैं, बल्कि नॉन एक्शन सेंटेंस पे कम होते हैं। तो इसीलिए एक्शन सेंटेंसेस का ग्रामर आप जब समझोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, काफ़ी बड़ा नज़र आएगा आपको और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको एक्शन सेंटेंसेस के ग्रामर को समझने के लिए। लेकिन उस पर पहुँचने से पहले हमको ब्रीफली अच्छी तरह से ये समझना चाहिए कि नाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बगैर नाउन की कोई भी ग्रामर किसी नहीं हो सकता, किसी भी लैंग्वेज में हम चाहिए। आपने जब तक नाउन को नहीं समझा है आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट ही लगेगी। इसलिए नाउन को ब्रीफली समझना, एटलीस्ट ब्रीफ मैनर में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि नाउन को किस तरह से समझा है। अब यहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह हमने बताया कि बात दो पर्सन के बीच में, एक होता है बोलने वाला और दूसरा है सुनने वाला। और ये दो पर्सन जब आपस में बात कर रहे हैं तो इनका टॉपिक होगा और वो किसी ना किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब टॉपिक क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात, किसी जगह के बारे में बात करें, किसी इंसान के बारे में बात करें, किसी प्लेस के बारे में बात करें, या बात एनिमल से मुतालिक हो रही है, या बात बर्ड्स के बारे में हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात। कोई ना कोई टॉपिक तो ज़रूर होगा और वो टॉपिक डेफिनेटली नाउन ही होगा, नाउन से ही कनेक्टेड होगा। इस वक्त अगर मैं आपको अपने बारे में बताने की कोशिश करूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, आज सुबह मैं उठा, यहां पे आया, मैंने प्लानिंग की आपको नाउन सिखाने के लिए, नाउन के टाइप सिखाने के लिए, तो जब भी मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूं, अपनी तैयारी के बारे में बता रहा हूं, अपने मुताबिक कोई बात आपको समझा रहा हूं, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गौर से सुने, आपको गौर से सुनना चाहिए, आपको हर चीज़ नोट करनी चाहिए, आपको वक्त पे क्लास में पहुंचना ज़रूरी है, आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके मुताबिक, तो आप सेकंड क्वेश्चन होंगे। मतलब मैंने अगर अपने बारे में बात किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके बारे में बात हो गई तो सेकेंड क्वेश्चन, मगर अगर मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करना शुरू करूँ, जैसा इस वक्त बात हो रही इंग्लिश के बारे में, बात हो रही नाउन के बारे में, या हम किसी और चीज़ को लेके बात करते हैं,
बारिश के मुतालिक बात करते हैं या किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी एक्टर के बारे में बात कर लेते हैं या टीचर के बारे में बात करते हैं, ये सब थर्ड पर्सन में चला है। या किसी एनिमल या किसी बर्ड के बारे में बात करते हैं तो भी ये थर्ड पर्सन में चला है। इसका मतलब बोलने वाला पर्सन अगर अपने बारे में बात करे, अपने बारे में बताए तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बोलने वाला अगर सामने वाले के बात करे तो वो सेकेंड पर्सन कहलाता है। और बोलने वाला अगर किसी तीसरी चीज़, किसी तीसरी जगह, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर के दो रिव्यूज़ को देखा। फर्स्ट लेक्चर में नाउन की स्ट्रक्चर, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश की, एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश की, और सेकेंड लेक्चर में हमने ज़्यादा ये कोशिश की थी कि हम पर्सन को समझें, टॉपिक को समझें, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की थी। आज हम नाउन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, नाउन्स के यूजेस के बारे में बात करें। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इनिशियली ये कोशिश करें कि कॉमन सेंटेंसेस जो हैं, जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, हम उसको बना पाए, उनको भूल पाए। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे और आपकी समझ में लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी, आप समझना शुरू कर दोगे, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम जाके और थोड़ा डीप में ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक के हिसाब से हमारा टॉपिक है नाउन और नाउन की टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे कि हमको पता चल, हमने देखा है कि नाउन ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, ए ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउन। अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की कि किस तरह से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन है, बाद में वो और क्लासिफाइड हो जाता है और कैटेगराइज हो जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाउन को दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हम एक बार फिर नाउन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारी बात हो कि जो भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो नाउन है, जो भी हमको नज़र आ रहा है या हमने नहीं देखा है बट एग्जिस्ट है दुनिया में, उसको वो वजूद में है दुनिया में, उसका एग्जिस्टेंस है, वो पाई जाती है तो नाउन कहलाती है। अब वॉट इज सिंगुलर और प्लूरल, कॉमन है, हम अच्छी तरह समझते हैं कि सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो, उसको प्लूरल कहा गया है। और सिंगुलर जब एक चीज़ पर बात हो जाए, किसी एक चीज़ को दिखाया जाए वो सिंगुलर ग्रुप में आ जाता है, और एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या जगह के बारे में या प्लेस के बारे में बात हो तो वो प्लूरल कहा जाता है। ये सिंगल है और एक से एक है और एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक चीज़ मतलब यहाँ पे अगर कुर्सी एक है तो एक है कुर्सी, जैसे कई चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक ही है, सूरज एक है, चाँद एक है, आपने देखा है कि सूरज एक है, चाँद एक है, हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि सूरज एक है, चाँद एक है, इसके कोई प्लूरल है, कोई प्लूरल इसका है। अब चलते हैं हम खास प्लूरल के बारे में, तो प्लूरल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोशिश करें इंसान के बारे में, क्या इंसान एक है दुनिया में कि हज़ारों में है, लाखों में है, अरबों में है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, यू नो दैट कि कितने सारे इंसान, कितना बड़ा पॉपुलेशन दुनिया में मौजूद है, अरबों में मौजूद है, इन मिलियंस आज इंसान एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, जिसमें कई औरतें हैं, कई बच्चे हैं और कई मेल्स हैं, समझे ना, फीमेल्स हैं, तो मतलब इंसान बहुत है, नंबर्स बहुत ज़्यादा, उसके प्लूरल नंबर्स, इवन आपको उस फिगर के बारे में पता भी नहीं कि कितनी पॉपुलेशन है आज वर्ल्ड की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 100 करोड़ के ऊपर या 500 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन मानी जा रही है दुनिया की ऑलमोस्ट। सो इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतने ज़्यादा लोग हैं। अभी यहाँ किस तरह से हमने इसको बैलेंस करते हुए
किस तरह से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे तक पहुंचाते प्रॉपरली, इसके बारे में हम बात करें, हमें कैसे पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके मुतालिक बात हो रही, ये हमको समझ में कैसे, हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं कि हम अपने बच्चों के बारे में बात करें, अपने दोस्तों हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं ये मेरा दोस्त है करके, या हम किसी को कैसे बताते हैं फला फला हमारा दोस्त है करके। तो जब चीज़ें बहुत नंबर्स में हो, एक से ज़्यादा हो, आप कई चीज़ें ऐसे जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, पेड़ को आप देखें बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, समझे ना, या कई चीज़ें ऐसे इवन माउंटेंस को आप देख लें, ज़्यादा माउंटेंस मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नंबर जिनके, एक जानवरों को देख लें, हम जानवर के डिफरेंट कैटेगरीज को देख लें, बहुत ज़्यादा नंबर्स में जानवर मौजूद हैं। अब जब हम इनसे मुताबिक बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हमको ये ध्यान में रखना होता है, हमको ये समझना होता है कि हम किस टॉपिक पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले को किसके बारे में पता है। चलिए मैं आपको अगर बता दूं कि मैं पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोलना शुरू कर दूं कि मेरा स्टूडेंट काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी ब्रिलियंट है और कोशिश करता है, मेहनत करता है लैंग्वेज को समझने की, लैंग्वेज को जानने की मेहनत कोशिश करता है, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि किस आदमी के बारे में, किस स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं आपको नाम बता दूँ, मिस्टर राज के बारे में बात हो रही है, मिस्टर राज तो आपको फौरन समझ में आएगा मिस्टर राज कौन है, कौन से कुछ स्टूडेंट के बारे में बात हो। तो स्पेसिफिकली किस तरह से हमने हज़ार स्टूडेंट में से काफ़ी नंबर में से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेके ये बताने की कोशिश करके हम किस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम प्लूरल देखते हैं तो काफ़ी नंबर्स में लोग हैं, काफ़ी नंबर्स में चीज़ें हैं और हमको स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो किस तरह से हमारी पहचान होगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम कॉमनली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो दो चीज़ें हमको बहुत समझनी ज़रूरी है, कॉमन और प्रॉपर, मतलब जब नाम प्लूरल में आ जाएगी, एक से ज़्यादा नाम होंगे तो कुछ नाम अपनी हैसियत, अपना इम्पोर्टेंस कॉमन के तौर पर नज़र आएगा और कुछ नाम ऐसे जो प्रॉपर, इसको प्रॉपर बनाया जाएगा। व्हाट इज़ प्रॉपर और कॉमन, अभी हम कोशिश करते समझने की, कॉमन क्या है और प्रॉपर क्या है। जब किसी चीज़ को ख़ास बना के बात की जाए, जिसकी पहचान दिखा के बात की जाए, जिसको पहचाना जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात किसके बारे में हो रही है, एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ की पहचान हो, किसी एक इंसान की पहचान हो, उसको प्रॉपर नाम कहते हैं। और जब हम किसी चीज़ की पहचान लेकर कलेक्टिवली हम बात करें, कोई भी चीज़ कॉमन करके बात करें, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, किसी को ख़ास इंपॉर्टेंस दिए बगैर बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अपने बनानास को देखा है, हम कभी भी जब बनानास खरीदते हैं, केले को खरीदते हैं तो दर्जन में खरीदते हैं या हाफ दर्जन या एक दर्जन में खरीदते हैं, जब केला खाते हैं तो किसी खास केले को उठा के खाने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ ये बोलते हैं देखो एक केला मुझको दे दो, मुझको एक केला खाना है करके, और कोई भी केला आप कट करके तोड़ के खा लेते हो, कभी गौर से उसकी तरफ नहीं देखते कि मैं कौन सा केला खा रहा हूँ या किस केले का नाम क्या है। तो ये हो जाता है कॉमन, कोई भी चीज़ आपको कॉमनली यूज़ में आ रही, सबका इम्पोर्टेंस एक जैसा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि किस खास चीज़ पे ही आपको बात करनी होती है, किसी खास चीज़ या किस खास जगह के बारे में, जैसे किसी से मुलाकात आपको करनी है, किसी ऑफिसर से मुलाकात करनी है, तो हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, 10-12 ऑफिसर्स हैं, लेकिन जब हम मुलाकात करने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप किसको मिलने आए हैं, आप किससे बात करना चाहते हैं, आप फौरन उसका नाम बता देते हैं कि फला फला ऑफिसर से मैं मिलना चाहता हूँ, फला फला ऑफिसर से मैं बात करना चाहता हूँ, ऑफिसर तो काफ़ी थे, या कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर्स के साथ में, आपको पूछा जाता है रिसेप्शन पे कि आप किस डॉक्टर के पास आए, आप नाम बता देते हो, तो इतने सारे डॉक्टर्स में आपने पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम बता दिया और उनकी समझ में आया, आपको वो डायरेक्ट कर देंगे आप थर्ड फ्लोर पर जाए, फोर्थ फ्लोर पर जाए या फला जगह पर जाए, आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। तो ये जो नाम है, तो नाम किसी इंसान को ख़ास कर देता है, हमने जब नाम लिया किसी चीज़ का, हमने किसी चीज़ का नाम बता दिया तो चीज़ क्या हो गई, ख़ास हो गई, मतलब हम किसी की पहचान समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान के बारे में या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो प्रॉपर नाम हम किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए बोलते हैं, प्रॉपर नाम
हम किसी चीज को खास करने के लिए बताते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब कोई खास चीज, कोई खास जगह, कोई खास प्लेस, जो एक हो सकता है ग्रुप में भी हो लेकिन ज्यादातर एक हो, तो उसको प्रॉपर नाउन। मतलब द सेकंड चीज ये है कि कॉमन नाउन। अब चीजें तो बहुत है, जब किसी चीज को खास करके बात नहीं कर रहे तो वो कॉमन हो जाएगी, सिंपल। आपने कहा कोई भी ऑफिसर चलेगा, ठीक है, कॉमन हो गया। आपने कहा कोई भी डॉक्टर चलेगा, किसी भी डॉक्टर को मुझको दिखाना है, ये हो गया कॉमन। लेकिन अगर आपने कहा खास डॉक्टर को ये दिखाना है तो ये हो गया प्रॉपर। अब खास करने के भी तरीके, जैसे अगर आपने किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो आपने कहा, पहले आपको पूछा किस डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, तो आपने उसे एक टाइप लेके बात की, मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स थे वहाँ पे, जिनकी डिफरेंट स्पेशलिटीज थी, उसमें से आपने खास करके बता दिया कि मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। फिर उन्होंने पूछा ऑर्थोपेडिक, कौन सा ऑर्थोपेडिक के पास आपको जाना है, फिर अपने नाम को और उसको खास कर दिया। तो इस तरह से प्रॉपर नाम का यूज होता है। और जब हम किसी चीज़ को खास नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमको किसी भी ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, तो यहाँ पे भी हाफ हमने चीज को खास कर दिया है और हाफ कॉमन रख दिया। लेकिन अगर आप ये बोल देते हो किसी भी डॉक्टर को दिखाना, क्या हो गया पूरा कंप्लीटली ये चीज कॉमन हो गई। तो सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल, जब प्लूरल में एक से ज्यादा चीजें होती है तो वो या तो कॉमन हो सकती है या फिर प्रॉपर हो सकती है। और बगैर प्रॉपर की लैंग्वेज हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर 90% हम चीज़ों को डिनोट करके, चीज़ों की पहचान बता के ही बात करते हैं, या हम हमारी बात जिनके साथ में हो रही है जो सुन रहे हैं उनके लिए ये, उनको ये समझना जरूरी होता है कि किस चीज की जगह किस इंसान के बारे में बात की जाए, वरना उनका टॉपिक वेग हो जाएगा। तो ये चीजें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर नाउन जब किसी चीज को खास किया जाए और उस पर बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, और जब कोई चीज बगैर खास किए बात की जाए, कोई भी चीज कोई भी जगह चल जाएगी, तो कॉमन नाउन में आता है। सिंगुलर प्लूरल में कॉमन और प्रॉपर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे कॉमन नाउन बनता है, कैसे सिंगुलर्स बनते हैं, कैसे प्लूरल्स बनते हैं वर्ड्स, ये प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज है जो हम नेक्स्ट टाइम में देखने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम में समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल कैसे बनते हैं। फिर कॉमन नाउन की पहचान, कॉमन नाउन की पहचान कैसे है और प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे, इसको भी समझने की कोशिश करें। आज हम ब्रीफली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउन है, नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन है, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्या है, सिंगुलर और प्लूरल है, और प्लूरल में कॉमन और प्रॉपर नाउन। बेसिकली आज के लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज समझा, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, मे बी फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर भी कंसेप्ट पे ही होगा, प्रैक्टिस कम होगी, फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। बट जब तक कंसेप्ट सबके क्लियर नहीं, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया, जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपकी बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी, आपकी बिल्डिंग ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगी, या आपने जो प्लांटेशन की है वो प्रॉपर नहीं हुई है, उसकी जड़ें बराबर ज़मीन में नहीं गई है, तब तक आपकी कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, उसमें उतनी मजबूती नहीं आएगी, इसलिए हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन एंड प्रॉपर, अब जो भी चीजें हैं इसी में डिवाइड है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, बुक किताब, एक किताब की बात हो रही है, दो किताब की बात हो रही है, तीन किताब की बात हो रही है, चार किताबों की बात कर रही है, मुझे बुक दीजिए। तो यहाँ पे एक सेंस है कि मैं किसी एक ही किताब की बात कर रहा हूँ, बट इंग्लिश में गिव मी अ बुक, अगर आपने बोला कि गिव मी अ बुक, तो जब आपने अ लगा दिया यू मी अ बुक, तो ये क्लियर हो गया कि किसी एक किताब की बात हो। तो सेंटेंसेस में आगे चल के जब आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे तो यहाँ पे अ का जो इस्तेमाल है वो किसी चीज़ को कॉमन बता रहे और कॉमन बना रहे। या आपने कहा कि गिव मी बुक्स, बहुत सारी किताबें मुझको दे, यहाँ पे भी चीज़ कॉमन ही है लेकिन प्लूरल में, और चूंकि प्लूरल में है इसलिए वहां पे एस लग गया, गिव मी बुक्स। तो जरूरी नहीं कि हर टाइम आ लग के कॉमन चीज को बता दे,
जब प्लूरल चीज़ों में बात होती है, जो प्लूरल चीज़ें कॉमन होती है, उस वक्त शायद कुछ वर्ड इस्तेमाल ना किए जाए बट सिंगुलर में वो वर्ड इस्तेमाल। तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली, गिव मी अ बुक और गिव मी बुक्स। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ कि गिव मी अकाउंट्स बुक, गिव मी अकाउंट्स बुक, जब मैंने अकाउंट्स बुक की बात की तो आपको एक समझ में आए ये पर्टिकुलर बुक है अकाउंट। या मैंने आपको बोल दिया गिव मी सैमसंग मोबाइल, तो हमने सैमसंग नाम लिया तो हमको कुछ खास चीज समझ में आएगी, किसी खास मोबाइल की बात हो रही है और इस तरह से वो प्रॉपर में चला गया। तो जब कॉमन चीजें होती है तो सर्टन रूल्स हैं जिससे कॉमन को पहचाना जाता है और सर्टन रूल्स हैं जिससे प्रॉपर को पहचाना जाता है और सर्टन रूल्स हैं ग्रामर के जिससे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बुक बुक्स, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, अपने सिर्फ एस का ऐड करते हैं बट यही रूल नहीं है, सर्टन और भी रूल्स हैं तो जो अप्लाई करते हैं इसका एक अपना वे सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, वो हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं। फिर हमने देखा कॉमन नाउन, अ लगने से कॉमन नाउन बन जाता है और कुछ तरीके से आर्टिकल्स का आ गया, अ एन और द, ये आर्टिकल्स हैं इसमें से अ और एन कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, द जो है वो आर्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी वो भी आर्टिकल है लेकिन वो प्रॉपर करने के लिए इस्तेमाल होता है, या और एक चीज़ है किसी चीज़ को नाम देना प्रॉपर के लिए इस्तेमाल है। ये सर्टन रूल सर्टन ग्रामर आपको आगे आएगा जिसके समझने के बाद सेंटेंसेस फ्रेम करना आपको ईजी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको ब्रीफली आप समझें, तो आपने क्लियर ये समझ लिया कि सिंगुलर और प्लूरल है, एक और एक से ज़्यादा रहता है, जब चीज़ें प्लूरल आती है तो ग्रामर बदल जाता है, ग्रामर का इस्तेमाल डिफरेंट वे में होता है, जब सिंगुलर होती है तो ग्रामर बदलता है, जब चीज कॉमन बात की जाए तो ग्रामर का रूल आ जाएगा, जब चीज़ें प्रॉपर की जाए तो ग्रामर का रूल आ जाएगा। अब हमने ये समझने का सारी चीज़ें इसके बारे में नाउंस के बारे में बात कर रहे थे, हमने सिंगुलर को देखा, प्लूरल को देखा, कॉमन को देखा, प्रॉपर। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। आप जो लोग बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, बात करने वाला भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बात करने वाले कॉमन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो बोल रहे लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज डिस्कस की बात, जिनके बीच में लैंग्वेज बोली जा रही है, वो खुद सिंगुलर हो सकते हैं और खुद प्लूरल हो सकते हैं, खुद कॉमन हो सकते हैं और खुद प्रॉपर हो सकते हैं, या फिर उनका टॉपिक सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। चलिए अब हम आगे थोड़ा बढ़ के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने देखा, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, हमने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, आप हम इसको फिर से रिपीट नहीं करते। अब फर्स्ट पर्सन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सकता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है, फिर ये भी चीज हो सकती है कि कॉमन और प्रॉपर, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कॉमन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रॉपर हो सकता है, सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल कॉमन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रॉपर हो सकता है। इस तरह से जो पैटर्न है जब लैंग्वेज डिस्कस करते हैं हमको ये गौर करना जरूरी है कि पहले तो सबसे पहली चीज की हमारा टॉपिक फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और इसके बाद और एक चीज है, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो वो कॉमन है या प्रॉपर है, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो कॉमन है या प्रॉपर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो कॉमन है या प्रॉपर है, सेकंड पर्सन प्लूरल है तो कॉमन है या प्रॉपर है। तो इस तरह से ये पैटर्न ये टेबल को ब्रीफ में हमको समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया?
तो चीजें। अब एक चीज जब हम लैंग्वेज का एक्चुअल यूज करेंगे, लैंग्वेज के एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाते हैं, किस तरह से कॉमन और प्रॉपर की पहचान होती है, ये सब चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा। बट अगेन आप कंसेप्ट को पहले समझ, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते कि फर्स्ट पर्सन पे आ गए, सब्जेक्ट हम लोगों ने समझने की कोशिश की, टॉपिक हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जब प्लूरल में है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब प्लूरल में कॉमन और प्रॉपर में मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं जब एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही है तो इसको प्रॉपर बनाने का जो रूल है, जो मोस्ट कॉमन रूल है और एक हम कॉमनली इसको समझ लेते हैं, वो है नेम्स। किसी चीज को नाम दे दे, किसी भी चीज को नाम दे दे। जब आपने किसी को नाम दे दिया, वो नाउन क्या बन गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आज मेरा नाम इरफान सर, प्रॉपर नाउन आ गया। आप राज हो, रानी हो, आपका नाम क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। और कई दुनिया में हर चीज का नाम है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एनिमल और बर्ड्स को छोड़ते कलेक्टिव में, कलेक्टिव उनके नाम है, बट ह्यूमन बींग्स को, इंडिविजुअल्स को नाम है, एक 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 पर्सनैलिटी को नाम है। थिंग्स में भी ग्रुप नाम्स है, प्लेसेस में भी ग्रुप नाम्स है। हो सकता है कि प्लेसेस में ईच प्लेस को नाम है, ईच प्लेस को नाम दिया गया। प्लेसेस का काफी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन ईच प्लेस को नाम है, ईच प्लेस को। अगर आप अंधेरी में आके मुंबई में आके देखेंगे तो बहुत सारी प्लेसेस है, जगह बहुत है, लेकिन हर प्लेस को नाम दिया गया है। जैसे मार्केट्स बहुत है, लेकिन अंधेरी मार्केट, लोखंडवाला मार्केट, मुंबई मार्केट, बहुत सारे, तो ईच चीज को नाम दिया गया। अभी ध्यान दो, इसको गौर से देखो कि हर चीज को नाम दिया गया। बट कई जगह कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे थिंग्स की बात हो रही है, चीजों की बात हो रही है, समझे? तो हम कलेक्टिव नाम देते हैं, चेयर या चेयर्स बात करेंगे तो आप एक कलेक्टिव नाम है, कुर्सियों का कलेक्टिव नाम है, लेकिन इंडिविजुअल कुर्सी को नाम नहीं है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नेम्स आ रहे हैं आपके, बट ईच प्लेस को नाम है, ईच इंसान को नाम है। आप कोशिश करो कि हर चीज, हर जगह को नाम दिया गया है, हर चीज को नाम दिया गया है, और ह्यूमन बींग्स को, हर आदमी को इंडिविजुअली कॉमन, मतलब सिंगुलर वे पे नाम दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिंगुलरली नाम है कि एक एक चीज को नाम दिया गया। तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि एक एक चीज को नाम दिया गया। तो अब हमको ये समझना है कि हर चीज का नाम है, और जब भी किसी नाम को नाम दिया जाता है तो वो नेम प्रॉपर बन जाता है। बट अगर थिंग्स है, जैसा मार्केट्स में बोल दो, फिर भी आप सवाल करोगे कौन से मार्केट में जाना चाहिए, तो थोड़ा एक नाम है जो कलेक्टिव नाम है, लेकिन हमको फिर भी डीप में जाके प्रॉपर फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस मार्केट की बात है। अगर मैं बोलूँ चेयर्स के बारे में, तो काफ़ी चेयर्स हैं यहाँ, आप चेयर्स खरीद लो तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कोशिश करने की कोशिश करो कि कौन सी चेयर्स में खरीदो। नाम तो दिया गया है, लेकिन कौन सी चेयर, कैसी चेयर, किस टाइप की चेयर, सारी चीज़ें समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। बट अगर आपको सीधे सिंपली बोल दीजिए कि आप अंधेरी मार्केट चले जाओ, तो आप दूसरा क्वेश्चन नहीं करोगे, सीधा अंधेरी मार्केट की तरफ चलोगे। तो ये फ़र्क है कुछ नाम के बारे में। तो इस तरह से नेम दिया जाता है, और ये नेम कॉमन और प्रॉपर में आता है। आप समझ में आया? तो किसी भी चीज़ को नाम दिया जाए तो चीज़ प्रॉपर बन जाती है। और इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बेसिस, सिंगल बेसिस पे अगर नाम दिया जाए तो खासकर वो प्रॉपर मानी जाती है, वो खासकर प्रॉपर मानी जाती है अगर इंडिविजुअल पे नाम दिया। अब जैसे हमने बात किया कि दो चीज़ें हमारी है, ओके, हमारी दो चीजें हम लोग इधर लिख लेते हैं, ओके? अब हमने देखा कि स्पीकर है, और लिसनर जो सुन रहे हैं। अब एक चीज आपको और देखनी है कि जब स्पीकर जो बात कर रहा है, बगैर स्पीकर के तो लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और बगैर सुनने वाले की लैंग्वेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब यही वो दो लोग हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है, और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही है। अब ये स्पीकर है जो बात कर रहा है, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई नाम होगा। आपको मैं सिखा रहा हूँ, मेरा नाम इरफान सर है, आप सुन रहे हो, आप राज हो, आप शादाब हो, तो आप जब सुन रहे हो तो आपके भी नाम है। लेकिन
आपने देखा कि जब स्पीकर अपने बारे में बात करता तो फर्स्ट पर्सन, और जब वो किसी सामने वाले के बारे में बात कर रहा तो सेकंड पर्सन, और जब वो किसी तीसरी चीज के बारे में बात कर रहा तो थर्ड पर्सन कहता है। अब यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किसके बारे में बात, और किस तरह से हमको पता चलता है कि ये बात फर्स्ट पर्सन के बारे में है, सेकंड पर्सन के बारे में, या थर्ड पर्सन के। और इजीली हम इसको किसी भी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इंसान अपने बारे में बात कर रहा है, या इंसान हमारे बारे में बात कर रहा है, या जो बोलने वाला किसी तीसरी चीज, किसी तीसरी जगह, किसी तीसरे प्लेस के बारे में, या किसी तीसरे इंसान के बारे में। इजीली हम समझ लेते हैं कि बात वो कैसे, वो क्या रूल है। तो हम अगर हिंदी लैंग्वेज को हम लोग देख लें, या उर्दू लैंग्वेज को हम लोग देख लें, जब मैं आपको मैं बोल दूँ सिंगुलर में, अगर सिंगुलर में मैं अकेला बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपको सिर्फ बोल दूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर अभी 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगा, या मैं यहाँ से कहीं और जाने वाला हूँ लेक्चर के लिए, ये मैं जो वर्ड है वो आपको बता रहा है कि सर अपने बारे में सिंगुलर वे में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं की वजह से आपको पता चला, ना कि अगर मैं आपको ये बोलना बोलूँ कि इरफान सर आपको पढ़ाएंगे, इरफान सर आपका लेक्चर लेंगे, इरफान सर यहाँ से अभी दूसरे लेक्चर के लिए चले जाएंगे, तो शायद ये आपको मिठास नहीं मिलेगी, वो स्वीटनेस नहीं होगा लैंग्वेज को, या ये आपको लैंग्वेज कन्फ्यूज कर देगी कि कौन इरफान सर की बात हो रही है, किस इरफान सर की बात हो रही है। लेकिन वही जगह पे अगर नाम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस किया जाए मैं से, तो लैंग्वेज स्वीट बन जाती है, लैंग्वेज में मिठास आती है, और समझना भी ईजी हो जाता है। तो ये मैं वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। सेकेंड चीज, अगर हम प्लूरल की तरफ चलते हैं, तो जब हम वर्ड यूज करते हैं हम आपको मदद करेंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, हम बात कर रहे हैं, हम मिलके टीम एज ए टीम बात कर रहे हैं, इंडियन टीम बता रही है, हम मैच जीतेंगे, हम कोशिश करेंगे वर्ल्ड जीतने की, हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा गेम खेलने की, हम स्टूडेंट कोशिश करेंगे पढ़ाई करने की और अच्छे से अच्छे स्कोर करने की। तो ये हम प्लूरल में चला गया और फर्स्ट पर्सन आ गया, तो ये हम भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। अब हम में बहुत सारे लोग हैं, तो नाम का इस्तेमाल कैसे करोगे, हम कितने लोगों का नाम लोगे, 100, 25, 30 लोगों के, तब कैसे नाम लोगे। तो उस सारे नाम को एक नाम देके, एक वर्ड देके इजीली समझाने की कोशिश कर दी गई है कि ये सारे अपने बारे में बात करें, वरना एक एक का नाम लेके बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अखिल सेकंड पर्सन, अगर मैं किसी राज से या किसी अमीर से या किसी सलीम से बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर बार बार उसको ये बोलूँ सलीम तुम स्टडी करो, सलीम तुम सुबह उठ के मेहनत करो, सलीम तुम स्मार्ट हो, सलीम तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, सलीम, बार बार ये नाम लेना भी सही नहीं है। तो सलीम की जगह भी हम वर्ड यूज करेंगे तुम, सलीम तुम, तो तुम जो वर्ड है तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुमको इस तरह से करना चाहिए, ये वर्ड सेकंड पर्सन के बारे में पता, चाहे आप सेकंड पर्सन, यहाँ पे यू के बारे में एक बात आप समझ लें कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यू का वर्ड यूज किया जाता है। तो यू से पता चलता है कि हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन के बारे में, चाहे वो सिंगुलर भी हो सकता है, चाहे वो प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब वर्ड्स के आगे कभी एस नजर आ जाता है, कभी ऑल का इस्तेमाल कर देते, तो इजीली ये समझ में आता है कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब हम चलते थर्ड पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन में अक्सर नाम, अक्सर जो वर्ड यूज किए जाते हैं, और थर्ड पर्सन इंसान की कैटेगरी थी कि अगर ह्यूमन बींग्स है, तो जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे ह्यूमन बींग्स के लिए, वो या तो डिपेंड करता है, जैसा कि हम लोग आगे जाके कोशिश करेंगे ये समझ दें कि फीमेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट कि समझने की कोशिश करेंगे। तो बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको थर्ड पर्सन में जब हम पहुँचते हैं, तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है वो मेल है या फीमेल है, समझ में ना। तो उसको समझने के लिए उसकी जगह पर वर्ड रखा जाता है, उर्दू में शायद हिंदी में कॉमन वर्ड नहीं है, उसको सेंटेंस से समझ में आता है कि वो लड़की या वो खा रही है, वर्ड वही है, वो खा रही है और वो खा रहा है, लेकिन खा रही है और खा रहा है, इससे ये समझ में आता है कि लड़का या लड़की। लेकिन इंग्लिश में ये थोड़ा ईजी है, इंग्लिश में अगर लड़के की बात हो रही है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम लोग ही यूज़ करेंगे।
लड़के की अगर बात हो रही तो, और लड़की की अगर बात हो रही तो हम शी से समझ जाते हैं कि कोई तीसरी लड़की के बारे में बात हो रही जो इस वक्त टॉप में मौजूद नहीं है, किसी और लड़की के बारे में बात की जा रही है, जिसका से शी। और जब चीज़ों के बारे में बात की जाए, थिंग्स के बारे में बात की जाए, मोस्टली एनिमल्स के बारे में बात की जाए, तो हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभार डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट वर्ड्स के इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ही शी इट है, ये शी इट बताते हैं किसी तीसरी जगह, तीसरी प्लेस या किसी तीसरे इंसान, लेडी या जेंट्स या फीमेल के बारे में बात। तो ये वर्ड्स जो हमने देखे, मैं, तुम, वो, ये सारे वर्ड्स नाम की जो सब्जेक्ट जिस जो बात कर रहा है और जब अपने बारे में बात कर रहा है तो उसकी जगह पे, नाम की जगह पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जगह पे यूज हो रहे हैं। तो इसी को ग्रामर में एक चीज नाम दी गई है, प्रोनाउन। क्या नाम दिया गया है? प्रोनाउन। इसी चीज को प्रोनाउन कहा है। जब जो पर्सन है जिस टॉपिक पे बात हो रही, उस टॉपिक का अगर नाम नहीं लिया जाए, अगर फर्स्ट पर्सन पे बात हो रही, फर्स्ट पर्सन का नाम की बजाय अगर कोई वर्ड यूज किया जा रहा है तो वो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। और वो प्रोनाउन कॉमन है, टोटल प्रोनाउन 8 है, ज्यादा से ज्यादा 8 प्रोनाउन है। आप वो 8 प्रोनाउन को इजीली समझ सकते हैं। अभी आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी हैं जो अलग टाइप्स में आते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट प्रोनाउन जिसको बोला गया है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं, जिसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस बोलते हैं, वो कॉमनली कौन से हैं? आई है, यू है, ही है, शी है, इट है। और अगर हम लोग उसको प्लूरल में देखते हैं तो ये वी है, ए है, सॉरी, ये यू होगा, ऑल साइलेंस होगा, और यहां पे ये प्रोनाउंस। अब इसी से पता चलता है ये वर्ड मैक्सिमम लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। 90% इस वर्ड पर लैंग्वेज डिपेंड करती है। 90% लैंग्वेजेस पर इससे शुरू होती है, इसी पे अक्सर क्लेम भी होती है। लैंग्वेज शुरुआत लैंग्वेज की इन्हीं वर्ड से होती है और ज्यादातर यही डिस्कस किए जाते हैं, इसी का इस्तेमाल। एक बार नाम ले लिया फिर उसके बाद वो वर्ड रिप्लेस हो जाता है, और उस जगह एक बार मैंने अपना नाम, अब मैं इरफान सर हूँ, और उसके बाद मैं अपने बारे में जो भी बात करूँ वो आई से शुरू होगी, या हमारा ग्रुप होगा तो बी से शुरू होगी, या अगर सामने वाला आप बोलो तुम राज हो फिर तुमको ऐसे करना चाहिए, तो सारी चीज यू से शुरू हो जाएगी, यू ऑल से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोनाउन, अब ये प्रोनाउन से आपको इजीली समझ में आना चाहिए। अगर आपने कहा कि आई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो आपको फौरन बोल देना चाहिए आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू ऑल सेकंड पर्सन प्लूरल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर एनीथिंग एनी प्लेस। ओके, और सबको कॉमन है, यहाँ पे कॉमन वी है आई की जगह पे, और यू है, यू ऑल है, और दे। आप इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें। दे आप ये देखिए यहाँ पे मेल फीमेल या चीज कोई भी हो, उसके लिए कॉमनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या इस्तेमाल होगा? दे इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? दे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमने सब्जेक्ट को समझा कि सब्जेक्ट से शुरुआत होती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज सब्जेक्ट से शुरू होती है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज का, और सब्जेक्ट ही ना होने और बोलने वाला भी ना होने उसका सब्जेक्ट भी नाउन ही है। तो हमको नाउन सब्जेक्ट समझने के बाद हमने ये कोशिश की कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है या प्रॉपर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा पैटर्न इसको देख के कोशिश की, पैटर्न को समझने की। अब हमने ये समझा है कि सब्जेक्ट जब हम लैंग्वेज शुरू करेंगे तो हमको पर्सन ध्यान में रखना है, किस पर्सन की बात हो रही है, और किस तरह से ध्यान में रखें वर्ड्स है आई वी यू यू ऑल ई शी इट और। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे
एक लेसन देंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे, और वो लेसन होगा नॉन एक्शन ग्रुप का, जिसमें हम यूज करेंगे आई का, यू का, वी का, शी का, इट का, वी का, यू ऑल का और दे का। इसका यूज करेंगे पी वर्ब ग्रुप के लिए, पी वर्ब सेंटेंसेस के लिए या नॉन एक्शन सेंटेंसेस के लिए। पी वर्ब मतलब नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ग्रामर टर्म में पी वर्ब है, कॉमन समझने के लिए नॉन एक्शन सेंटेंसेस। तो अब लोग नेक्स्ट लेसन हाउ टू स्पीक पी वर्ब सेंटेंसेस, हाउ टू स्पीक नॉन एक्शन सेंटेंसेस। विल ट्राई आवर बेस्ट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस एंड विल सी दैट हाउ बेस्ट वी कैन डू द प्रैक्टिस, ओके। बट बिफोर डूइंग दैट प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, आपको कॉमनली फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझना चाहिए और याद रखना चाहिए कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, यू ऑल मतलब तुम ऑल, तुम सब, ही मतलब वो लड़का, शी मतलब वो लड़की, इट मतलब वो कोई चीज, कोई प्लेस, और दे मतलब वे सब लोग। वो चीज भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है और प्लेस भी हो सकता है। इसके बाद आपका पेयर होगा बी ग्रुप का, और आपका आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे, आप टॉक करने की कोशिश करोगे बी ग्रुप सेंटेंसेस। जैसा अगर मैं आपका एग्जाम्पल दूं, बी ग्रुप सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मानी जाती है, सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो मानी जाती है वो है इज, एम, आर, प्रेजेंट। आप इसको ध्यान में रखें, इज, एम और आर। अब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, टेंसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में व्यू अप शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रीफली हम टेंस के बारे में बात करेंगे, वक्त के बारे में बात करेंगे, वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, वक्त के बारे में बात, प्रॉपरली डिनोट करना वक्त को कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब जब पढ़ेंगे आगे जाके, तो बी वर्ब ग्रुप में इज, एम और आर, इज, एम, आर बी वर्ब माने जाते हैं। ये वर्ब है और इनको बी वर्ब बोला गया है। ये प्रेजेंट में इज, एम, आर है, पास्ट में वाज, वर है और फ्यूचर में विल बी और शैल बी है। बट हम लोग इस वक्त प्रेजेंट की ही बात करेंगे और प्रेजेंट में ही सीखेंगे। अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा एक टेस्ट के लिए एक पैटर्न बता देता हूँ कि आई का जो पेयर है इस बी वर्ब के साथ में जाता है। अब कॉमन है, अब काफी जगह पे स्कूल में जिन्होंने पढ़ा या थोड़ी भी लैंग्वेज हमने पढ़ी, जो रीडिंग राइटिंग जानते हैं उनको इजीली ये पता है कि आई के साथ में एम का इस्तेमाल होता है, यू के साथ में आर का यूज होता है, ही के साथ में इज है, शी के साथ में इज है, इट के साथ में भी इज है, वी के साथ में आर है, यू के, यू ऑल के साथ में भी आर है और दे के साथ में भी आर है। तो आप जब लैंग्वेज बनाने की कोशिश करोगे तो आपका पैटर्न इस तरह से बनेगा, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू ऑल आर, दे आर, ये आपका पैटर्न। आपको वापस से पेयर आपको ध्यान में रखना, आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, वी के साथ आर, दे के साथ आर, यू ऑल के साथ भी आर। अब जब ये पैटर्न आपका क्लियर हो जाएगा, आप कोशिश करोगे तो कई सेंटेंसेस इजीली आप बना सकते हैं। जैसे अगर किसी का नाम आपको बताना, अपना खुद का नाम आपको बताना है, तो आप यूज करोगे पेयर, क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो, अपने नाम की बात कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट पर्सन होगा आई एम इरफान सर, आई एम शारदा, आई एम ज्योति। ये नाम अपने आई एम लगा दिया और नाम लगा दिया। बट अगर किसी का नाम आपको बताना है, नॉर्मली हम सामने वाले का नाम बहुत कम बताते हैं, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस बनाने के लिए हम बोल देंगे यू आर ज्योति, यू आर शारदा, यू आर इरफान सिंह, नॉर्मली कम बोला जाता है। लेकिन इसी तरह से अगर नाम किसी थर्ड पर्सन का पता था, हम किसी को किसी इंसान का नाम बताते हैं कि ये इरफान सर है, ये ज्योति है, ये शादाब है, तो ही इज शादाब, शी इज ज्योति, और तो चीज जगह इट इज अ टेबल बोलेंगे, नाम कम होता है, बहुत कम नाम वाले, या आप बोलोगे This is, it is Mumbai, बोल सकते थे, लेकिन ये मुंबई सेंटेंसेस हम लोग इस वक्त पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इट के लिए थोड़ा नाम को नाम नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे नाम है जिसके लिए इट यूज किया जाता है, वो चीज़ों के अक्सर इंडिविजुअल नाम नहीं होते हैं,
इसलिए इट को हम विद नाउन के खाली कलेक्टिव वे में बात करेंगे, आगे चल के वो इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, आप सिर्फ अगर नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम इरफान सर, यू आर ज्योति, यू आर शादा, ही इज शादा, शी इज ज्योति, इट इज अ टेबल, आगे आएंगे इसको बाद में देखेंगे, वी आर इरफान सर एंड शादा, यू ऑल आर इरफान सर शादा, बहुत डिफिकल्ट है नाम लेना इसके लिए, और दे आर ज्योति शादा रानी, ऐसे भी बात करते हैं। सो नॉर्मली ए सिंपल एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि अगर आप किसी को नाम ले वो सब शादा रानी इरफान सर हैं, तो दे आर शादा रानी इरफान सर। तो ये चीज़ है जिसको हम लोगों ने देखा कि पी वर्ब के पैटर्न पे हम इसकी प्रैक्टिस करें, फिर किस तरह से इसको पॉजिटिव में बोला जाता है, किस तरह से इसको नेगेटिव में बोला जाता है। जैसे हम लोग बताएंगे ही इज शादाब, आप बोलना है कि वो शादाब है, अमित नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे, ही इज शादाब, ही इज नॉट अमित, या ही इज नॉट अमित, ही इज शादाब, शी इज नॉट लीना, शी इज ज्योति। तो किस तरह से इसको नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे बाद में, यही चीज को आपको क्वेश्चन करनी है। दो वे ऑफ क्वेश्चन है, एक सिंपल वे है जो बी वर्ब क्वेश्चन बोला जाता है कि बी वर्ब को लेकर आप सवाल करो, बी वर्ब का यूज करके आप सवाल करो। जैसे आपने यूज किया आर और आप सामने वाले को पूछ रहे हो क्या तुम इरफान सर हो, क्या तुम इरफान सर हो, क्या तुम ज्योति हो, क्या तुम शादाब हो, तो क्या तुम, जिसमें क्या फर्स्ट से, क्या सिर्फ फर्स्ट पोजिशन क्या की है, तो जब क्या की या किसी क्वेश्चन वर्ड की फर्स्ट पोजिशन इस तरह से होती क्या, तो वो बी वर्ब में काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या तुम शादाब हो, तो सिर्फ इसको करना है कि हाँ पहले जो प्लेसिंग थी हमारी ये फर्स्ट प्लेस पे हुआ करता था, ये सेकंड प्लेस पे हुआ करता था, अब जब क्वेश्चन कर रहे तो ये फर्स्ट प्लेस पे होगा और ये सेकंड प्लेस पे होगा। यू आर इरफान सर, ये सिर्फ पॉजिटिव में बात करते, क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम लोग, ये फर्स्ट प्लेस पे था। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज कर देंगे, उसको फर्स्ट प्लेस पे लेंगे और उसको सेकंड प्लेस पे लेंगे और पोजीशन बन जाएगी आर यू की, आर फर्स्ट प्लेस पे, ही सेकंड प्लेस पे, सॉरी यू सेकंड प्लेस पे, तो आर यू इरफान सर, आर यू शादाब, सेम क्या वो शादाब है, तो इस फर्स्ट प्लेस पे होगा, ही सेकंड प्लेस पे होगा, इज ही शादाब, फिर जब आंसर करोगे तो फिर से ही अपना प्लेस ले लेगा, ही इज शादाब या ही इज नॉट शादाब, पॉजिटिव में या नेगेटिव में दोनों में सब्जेक्ट जो होगा वो अपनी फर्स्ट पोजीशन पकड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में और बी वर्ब क्वेश्चन में बी वर्ब फर्स्ट पोजीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में बी वर्ब की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम बी वर्ब के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना के उसकी प्रैक्टिस कर दें, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह अब लैंग्वेज बोलना शुरू कर दो, कॉमन सेंटेंसेस बोलना शुरू। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि बाद में आपको सिर्फ कलेक्टिव नाउन के नाम्स बताने हैं, जैसे किसी कलेक्टिव नाउन का एक ही नाम है, जैसे चेयर, सभी चेयर है, लेकिन आप किसी एक खास ऐसे बोलोगे, सिर्फ ये बोलोगे एक चेयर पड़ी है, बोलोगे एक चेयर है, कॉमन नहीं बोल रहे, तभी भी ये इस्तेमाल होगा जहाँ पे इट इज अ चेयर, इट इज अ चेयर का इस्तेमाल जहाँ पे इट आप इस करोगे, या इट इज अ टेबल, बहुत टेबल है लेकिन एक टेबल पड़ा हुआ है, तो ये एक टेबल की बात कर रहे हैं। नॉर्मली आगे आपको और भी नाम के बारे में आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव नाम के बारे में आएगा, जिसमें दिस और दैट है, तब बट हम लोग इट इज अ टेबल, इट इज अ चेयर, इट इज अ मोबाइल, इस तरह से वहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे कॉमन नाम, मैं हम किसी को जिसको कॉमन में बात करें, किसी का कोई खास नाम नहीं, कोई उसकी खास पोजिशन या कोई खास इंपॉर्टेंस हम उसको देना नहीं चाहते, तो उसके पहले का लगा देते हैं, इसीलिए यहाँ पे अ का ऐड कर दिया गया। जब कलेक्टिव नाउन की नेम्स को बताने की आप कोशिश करें, इंशाल्लाह हम लोग ये लेक्चर फिनिश कर देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द हम लोग आपसे मिलेंगे।